संस्कृत का जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होना था उसका क्या हुआ, हुआ क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा था। जो ये सितंबर में इसकी सूचना मांगी गई थी, होगा नहीं होगा ये भी प्रश्न उठ रहे थे। ये प्रशिक्षण का कंटेंट क्या था, कैसे होना था, उन सभी पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहे जिससे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त प्राप्त कर सकें। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करें। इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक शिक्षकों का संस्कृत विषय पर जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होना था उसके संबंध में बात कर रहे हैं। ये जो जियो आया था और ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने वाली जो संस्था थी उसके बारे में भी हमने बताया था कि यह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा ऑनलाइन माध्यम से होना था। और ऑनलाइन प्रशिक्षण के विषय क्या थे, शिक्षकों को ऑनलाइन तकनीकी संस्कृत वाक् व्यवहार प्रशिक्षण, ऑनलाइन संस्कृत पाठ्यचर्या एवं पाठ्योप उपकरण निर्माण आदि के विषय में प्रशिक्षण दिया जाना था। ऑनलाइन माध्यम से होना था, जो गूगल मीट, जूम, क्लाउड आदि से होना था। ऑनलाइन प्रशिक्षण के दिन और समय क्या था, 14 दिवसीय ये कार्यक्रम था, कार्यशाला थी, जो प्रतिदिन 2 घंटे की प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की जानी थी। और ऑनलाइन प्रशिक्षण की विशेषता यह थी कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो शिक्षक जहाँ है वहीं से एंड्रॉयड मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। और प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को संस्थान द्वारा ई प्रमाण पत्र के साथ 250 रुपये प्रति शिक्षक की दर से इंटरनेट हेतु खर्च भी दिया जाना था। और विकासखंड के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के हिंदी विषय के एक शिक्षक अथवा संस्कृत प्रशिक्षण में विशेष रुचि रखने वाले शिक्षक का चयन करके इस फॉर्मेट पे उपलब्ध कराना था। और वह दिनांक 10 सितंबर तक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में ईमेल पर देना था। तो वो प्रशिक्षण क्यों नहीं हुआ, क्या रहा उसके संबंध में है कि वह डिटेल अभी दोबारा ली जा रही है। उसके संबंध में एक जियो आया है तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। कब तक उसकी हम ये जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस्माइलपुर बिजनौर द्वारा दोबारा से इसके लिए एक जियो दिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक शिक्षकों को संस्कृत विषय का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाने हेतु तो अध्यापकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यह 5 सितंबर को आया था, तो उसका ही संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका आप आदेशित किया गया है कि विकासखंड के प्रत्येक उच्च प्राथमिक, वही बात है जो हमने पहले चर्चा की थी। तो अब कौन सी डेट तक, यानी कि अब 10 दिसंबर तक इसको इस फॉर्मेट में हमें ये सूचना उपलब्ध करानी है जिससे यह प्रशिक्षण आगे चल सके, हो सके। तो यह प्रशिक्षण होगा, आप ज़्यादातर पूछ रहे थे कि उस संस्कृत प्रशिक्षण का क्या हुआ है, तो यह प्रशिक्षण होगा और यह सूचना दोबारा ली जा रही है। और वो सारी विशेषताएं उसकी वही रहेंगी जो हमने पहले चर्चा